नमस्कार, मैं शिवम कुशवाहा। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा तहसील से है, जहां खबर को प्रकाशित करने के बाद पत्रकार को मिली जान से मारने एवं बलात्कार के केस में फंसा देने की धमकी। 29 अक्टूबर को आवेदन देने के बाद भी आज तक डभौरा पुलिस ने नहीं की कोई कार्य। मेरा नाम हरीश तिवारी है, मैं ग्राम पोर्टोंगा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं इंडिया लाइव टीवी चैनल में जवा जनपद में संवाददाता का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या यह है कि हमने गहिवार ग्राम पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 के संबंध में हमारे इंडिया लाइव टीवी चैनल द्वारा कार्यकर्ता के विरुद्ध समाचार निकाला गया था। कितने दिनांक क्या थी वो? 19 अक्टूबर एवं 12 अक्टूबर। जी जी, समय यह था कि वो कार्यकर्ता निश्चित दिनांक से उस दिनांक तक नहीं आ रही थी, जिसके संबंध में ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव भी पारित किया गया था। जी जी, और वहाँ की सहायिका द्वारा अपना स्टेटमेंट भी चैनल को दिया गया। अच्छा, हमारे चैनल और समाचार प्रकाशित होने से कार्यकर्ता के पिता प्रमोद मिश्र द्वारा मुझे डभौरा अस्पताल के पास धमकी दी गई जान से मारने की। जी जी, और फर्जी बलात्कार केस में फंसाने की। जी जी, जिसकी शिकायत हमने डभौरा थाने में की। तब किए थे आप? 29 तारीख को ही। अच्छा। 9 बजे मैं डभौरा थाने में रिपोर्ट की लिखित आवेदन पत्र दिया। जी जी, लेकिन आज तक जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस मेरे द्वारा सिर्फ मेरा बयान भर, एएसआई बीरेन वर्मा है, उनके द्वारा कथन लिए गए। हम आपको बता दें कि दूंदर निवासी हरीश तिवारी, उम्र 60 वर्ष, इंडियन लाइव टीवी चैनल संवाददाता को दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को सुबह 9 बजे डभौरा बाजार स्थित अस्पताल के सामने जान से मारने तथा फर्जी बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देने वाले प्रमोद मिश्र निवासी गहिलवार के विरुद्ध दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को पत्रकार द्वारा थाना डभौरा में लिखित आवेदन पत्र दिया गया था और पुलिस द्वारा एएसआई वीरेंद्र वर्मा द्वारा कथन भी लिखा गया। किंतु एक हफ्ते बीत जाने के बावजूद भी डभौरा पुलिस द्वारा पत्रकार को जान से मारने की धमकी तथा फर्जी बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देकर खबर छापने से रोकने वाले आरोपी प्रमोद मिश्र गहिलवार निवासी के विरुद्ध आज तक कार्रवाई नहीं की गई। जिले के पत्रकार आंदोलन की राह में जा सकते हैं। पुलिस के इस शिथिलता पर प्रदेशाध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल को पीड़ित पत्रकार द्वारा आवेदन पत्र डाक पत्र से भेजा गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।